Let the observer. Now we are discussing about the direction of deflection of the needle due to magnetic field of current carrying conductor. Ampere's swimming rule. Let the observer imagine himself to be swimming along the conductor in the direction of current. अगर कोई अगर ऑब्जर्वर अपने आप को इमेजिन करे कि वो एक कंडक्टर के अलोंग स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, देन और उसमें ही इज़ फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक नीडल को फेस भी कर रहा है, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, तो जो नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की साइड में डिफ्लेक्ट होगा। जैसे आप इधर स्विमिंग कर रहे हो तो इधर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होगा, अगर आप इधर स्विमिंग कर रहे हो तो आपका लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर, तो वो नीडल जो है वो इधर डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, तो हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं कि एक करंट कैरिंग जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। Now we have learned from Oersted experiment that when a current is passed through straight conductor, a magnetic field is produced around it. ये तो हमें मालूम है, और ये इस दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ट्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ आयरन फिलिंग्स, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं आयरन फिलिंग से या एक स्मॉल कंपास नीडल से, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। टेक अ थिक स्ट्रेट कंडक्टर, हम एक थिक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं एक्स वाई एंड पास इट थ्रू द सेंटर ओ ऑफ थिक कार्डबोर्ड, और इसे एक कार्डबोर्ड के पॉइंट सेंटर पॉइंट ओ से पास करते हैं। द कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर के एंड्स को हम टर्मिनल ऑफ द बैटरी, रियोस्टेट, एक की और एक अमीटर, इन सब से कनेक्ट करते हैं। इन एंड सो द करंट फ्लोस फ्रॉम एक्स टर्मिनल टू द Y terminal, and the current direction of the current will be like this. Then what happened? Take a after that when we sprinkle some iron fillings, हम कुछ iron fillings sprinkle करते हैं on the cardboard के ऊपर, these arrange themselves, ये अपने आप को arrange कर देती हैं concentric circle में around O. ओ के चारों तरफ वो अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्किल में अरेंज कर देती हैं। व्हेन द कार्डबोर्ड इज जेंटली टैप्ड, जब उसको जेंटली टैप्ड किया जाता है, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये तब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करते हैं। दिस शोज देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इससे ये प्रूव होता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस के फॉर्म में होता है, जिसका जो सेंटर होता है वो कंडक्टर होता है, लाइक दिस। और इसमें आप देखोगे जब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, राइट, और अगर ऊपर से नीचे है तो इस तरह से जाती है क्लॉकवाइज। नाउ वी कैन ट्रेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, इजंट, सो इन ऑर्डर टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी प्लॉट द फील्ड लाइंस विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल, द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट। ये जो है ये जो कंपास का जो निडल कंपास निडल का जो नॉर्थ पोल है ये हमको फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है, इस टाइप से, ये इस तरीके से आपको नॉर्थ से साउथ और इधर से नॉर्थ से साउथ, तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसको हम डिफाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor we use right hand thumb rule।